अब आम अस्सीपल्ली होगा मदीना मस्जिद लिंबायत डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला है जेपी सोलंकी मैंने पीआई साहब ने आठ एक डिस्ट्रिक्ट वाला है मैंने कूतरा जो मार मारो जो टेबल पर बांधी ने अब अभी जो लो आज तक सुधारी दीद मैंने के माते मैंने सिविल में लावेला है मोहम्मद अल्ताफ भाई भरूची हूँ सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर क्रिमिनल साइड प्रेक्टिस् करूँ छू अने गत तारीख 21/6/2021 रोज लिंबायत विस्तार अंडर ईट रेती कपचीना वेपारीना वेपारी अली भाई इस्माइल भाई गोगाना पुत्र आसिफ गोगानाओ ने डिस्ट्रिक्टना चार ईसमों जेमा डिस्ट्रिक्ट पीएसआई जेबी सोलंकी नाओ सहित बे ऑटो रिक्शा जगह पर आवी ने जगह पर उठावी लई जाए लिंबायत पुलिस स्टेशन लई गयेला अने त्यारबाद पिताजी त्यां जता मुलाकात नहीं आपता अने कोई जानकारी आपता न होय जेथी मारी पासे गत तारीख 22/6/2021 रोज बपोरना 3 वागे पुत्र ने 24 कलाकनो समय थई गयेलो होवा छता कोर्ट में रजू करेला न होय तो मारी पासे कानूनी कार्यवाही करवा माटे अरजी करवा माटे आवता मैं पुत्र आसिफ अली गोगानाओ ने नामडा कोर्टना अंदर शारीरिक कब्जो लावीने पुलिस वाला हाजर करे ते माटे सीआरपीसी ने कलम 97 मुजब सर्च वॉरंट अरजी नामडा जीव मेजी फक त्रीजी कोर्ट हिमांशु चौधरी साहेब ने कोर्ट में रजू करता लिंबायत पुलिस स्टेशन ना पीआई साहेब तथा जेबी सोलंकी पीएसआई नाओ ने आज रोज 11 वागे कोर्ट में हाजर रहेवानुं जणावता हाजर रहता त्यारबाद 4 वागे सदरू भोग बंदर आसिफ गोगानाओ ने लिंबायत कोर्ट में रजू करता समग्र हकीकत की जानकारी करेली जे कई इजाओ पहुँचाड़ी पुलिस मार्फते टॉर्चर कर समग्र फरियाद नामदार कोर्ट ने जणावता नामदार कोर्टे तेनी नोंध लई हाल में मस्कूर आसिफ गोगानाओ ने मेडिकल ट्रीटमेंट हेठ पुलिस हेडक्वार्टर जाप्ता साथ कोर्ट अहीं लावेला छे अने साथे एवुं पण कोर्टे नामदार कोर्टे एवुं पण जणाव्युं छे कि जो तमे अहींथी गया पछी तेओने जामीन पण आपी दीधा छे अने अहींथी गया पछी कोईपण पुलिसनुं टॉर्चर होय के पुलिस तमने एक बे दिवसमां कोईपण प्रकारनुं टॉर्चर करे तो पण कोर्टमां तमे कोर्टना दरवाजा तमारा माटे खुल्ला छे तमे फरियाद करवा माटे आवी शको छो तमारे गभराणी कोई जरूर नथी जी आमां एक महत्वनी हकीकत एवी बनी के पोलीसे ज्यारे आ भोग बननारने અહીં કોર્ટમાં લાવતા પહેલા તેઓનો કોરોના ટેસ્ટ માટે તથા મેડિકલ સારવાર માટે શારીરિક તપાસણીની સારવાર માટે ઇસ્મીમર હોસ્પિટલે લઈ ગયેલા તો તે સંદર્ભે પૂછપરછ કરતા તો આ ફરિયાદીએ ભોગ બનાર એવું જણાવ્યું કે ફક્ત મારો કોવિડનો ટેસ્ટ જ કરવામાં આવેલો છે મને શારીરિક કોઈ તપાસ કરવામાં આવેલી નથી છતાં નામદાર કોર્ટના અંદર મેડિકલ આ ભોગ બનારનો શારીરિક મેડિકલ રિપોર્ટમાં એવું નોંધવામાં આવેલું છે કે આ ભોગ જે તેઓની ડૉક્ટર સમક્ષ લાવવામાં આવેલા પેશન્ટને પોલીસ દ્વારા લાવવામાં આવેલા પેશન્ટના શરીર ઉપર કોઈ ઈજા નથી તેઓ ખોટો પ્રમાણપત્ર અને ખોટો રિપોર્ટ નામડા કોર્ટમાં રજૂ કરેલો છે તો તેની પણ નામડા કોર્ટે ઇસ્મીમર હોસ્પિટલના જે ડૉક્ટર છે તેઓના આ ખોટા રિપોર્ટની પણ ગંભીર નોંધ લીધી